नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। यह बयान राहुल गांधी ने झारखंड के एक रैली में दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश में हो रही क्राइम की घटनाओं पर सवाल उठाया, लेकिन इस बयान को स्मृति ईरानी ने दूसरा रंग देने की पूरी कोशिश की। संसद में ऐसे चीखी जैसे राहुल गांधी ने सवाल नहीं बल्कि किसी का बलात्कार कर दिया हो। क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। अब आपको एक गाना सुनाता हूँ। गाने के बोल हैं कि तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, और स्मृति ईरानी के साथ हुआ यही। राहुल गांधी ने जो नहीं कहा उस पर संसद की दहलीज से स्मृति ईरानी ने झूठ बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो अखबार खोलो झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। आपने सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेटियों से रेप हो रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने मतलब निकाला कि राहुल गांधी रेप के लिए उकसा रहे हैं, जिसका साथ महिला सांसदों ने भी दिया। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, या फिर वो भीड़ का हिस्सा बनकर चिल्ला रही थी, इसको सुनिए। जैसे स्मृति ईरानी ने मतलब निकाला वैसा ही कुछ इन्होंने मतलब निकाला है। राहुल ने एक भी बार महिलाओं से रेप करने की बात नहीं कही, लेकिन स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के सुपुत्र ने महिलाओं से रेप करने की बात कही है, जिनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि माफी किसे मांगनी चाहिए, उनको जिन्होंने माफी की मांग की, या फिर उनको जिन्होंने स्मृति जैसा बोला नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने सफाई भी दे दी है। अब मैं बात करता हूँ माफी मांगने की, मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूँ। जो महिला सांसद राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं, उनको जरा स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल 11 दिन से अनशन पर क्यों है। 11 दिन बीत जाने के बाद भी किसी नेता ने मुलाकात क्यों नहीं की है। किसी ने ये क्यों नहीं पूछा है कि स्वाति मालीवाल सरकार से क्या चाहती है, महिला सुरक्षा के नाम पर वो क्या मांगना चाहती है। लेकिन ये तब होगा जब राहुल गांधी ने क्या कहा क्यों कहा से फुर्सत मिलेगी। महिलाओं की चिंता से ज्यादा राहुल गांधी के खानदान की चिंता है। वो कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, कहां जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी चिंता सत्ता सिंह सरकार को रहती है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन एक महिला सुरक्षा को लेकर अनशन पर बैठी हैं।
उसकी तो चिंता नहीं है, सुरक्षा की चिंता खाक करेंगे। इतने बच्चों को खो दिया है, उनको इंसाफ दिलाना है, आप ऐसे मत रहिए, बहुत हो गया। आपने 11 दिन आपने देश के बच्चों के लिए 11 दिन नेताओं से कुछ आप नहीं रख सकते, वो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता को आपसे मतलब है। आपने जितना काम किया है अभी आपको बहुत काम करना है, इसलिए आप इसको तोड़ दीजिए अंतर को। तो क्या स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी की 2014 से पहले की रैलियां याद नहीं है, जिसमें उन्होंने दिल्ली को रेप कैपिटल बताया था? क्या वो भूल गई? उनके बयान से भी देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंची होगी। तब क्या देश का आत्मसम्मान नहीं था? क्या मोदी सरकार आने के बाद ही देश का जमीर जागा है, महिलाओं का आत्मसम्मान जागा है, देश का सम्मान जागा है? आप दिल्ली को जिस प्रकार से रैप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। अब तो ऐसी राजनीति से घिन आने लगी है कि संसद में बैठकर भी संसद से झूठ बोला जाएगा, आधी आबादी को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी और बताया जाएगा कि राहुल गांधी कितने गिरे हुए इंसान हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का बयान और उनका साथ देने वाली सांसदों को सोचना होगा कि संसद में खड़े होकर सियासी लाभ के लिए जो कीचड़ राहुल गांधी पर उछालने की कोशिश की गई, अब वो कीचड़ खुद पर गिर रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।